क्या आपको पता है कि आपके किचन में ही एक इंग्रेडिएंट ऐसा मौजूद है जो आपके बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है, जो बाल आपके झड़ चुके हैं उनको वापस से उगाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपकी हेयर लाइन रिसीड कर गई है तो हेयर लाइन को रिग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके साथ साथ आपके स्कैल्प को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है, आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करने का काम करता है, जिससे आपको डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और डैंड्रफ बहुत ही बड़ा रीजन होता है हेयर लॉस के पीछे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तीन चीजें शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला तो इसको किस तरीके से आप कंज्यूम करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा होगा उसमें मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क बताऊंगी इसका इस्तेमाल करके, ठीक है। और जो तीसरा चीज होगा वो होगा ऑयल, मैं इसका एक ऑयल बनाना बताऊंगी आपको। इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ इंटरनल केयर की भी मैं बात करूंगी। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं, उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूं, जो कि 100% वर्क करती ही हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो यार लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है जिसको आपको खाना है, लेकिन उसको खाने का कुछ तरीका होता है। उस तरीके से अगर आप इसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो देखिएगा आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी हेयर से रिलेटेड, ना आपके बाल झड़ेंगे। मतलब जो नॉर्मल हेयर लॉस होता है 10-15 बस उतना होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और जिस इंग्रेडिएंट के बारे में बात हो रही है वो है हमारा फेनुग्रीक सीड यानी मेथी। मेथी को खाने का एक पर्टिकुलर तरीका है, अगर आप उस तरीके से इसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो आपके बाल भी रिग्रो करेंगे, हेयर लॉस भी स्टॉप हो जाएगा। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे प्रोटीन, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है बहुत सारा। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा फाइबर भी होता है। ये आपके अंदर आयरन की डिफिशियंसी नहीं होने देगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको वॉश कर लेना है, इसको भिगो के 8 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। तो बेसिकली मैं इसका सुपर फूड बना रही हूँ, तो इसका हमें बनाना है स्प्राउट। अभी 8 घंटे हो गए हैं और अब क्या करना है आपको कि इसको स्ट्रेन कर लेना है। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके साथ साथ ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको शुगर है तो ये आपका शुगर भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अभी क्या करिए, इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और कॉटन के एक कपड़े में इस तरीके से लपेट के इसको 1 दिन के लिए छोड़िए। 1 दिन के बाद आपको ये प्रोसेस करना है। 1 दिन के बाद क्या करना है आपको कि आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा थोड़ा स्प्राउट निकल गया है, बट स्टिल आपको भी इसको छोड़ना है। तो इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ना पानी हाथ में लेके स्प्रिंकल कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है आपको कि छन्नी एक लीजिए, छन्नी में आप इसको रखेंगे तो एयर बहुत अच्छे से पास करेगी और इससे स्मेल नहीं आएगी। एक दिन के लिए और आप छोड़िए, 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अभी देखिए कितना अच्छा सा स्प्राउट निकल के आ गया है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा, लेकिन आपका स्प्राउट बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। और एक ही साथ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्प्राउट बना लिया है, इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे तो ये 3-4 दिन चल जाएगा, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा पानी आप डालिए, गर्म पानी नहीं डालना है, ठंडा पानी डालिए और वॉश कर लीजिए, रगड़ रगड़ के नहीं, बस पानी डालिए और फेनुग्रीक सीड को निकाल दीजिए उसमें से। अब 1 चम्मच के बराबर, ये छोटा सा चम्मच है, इससे 1 चम्मच के बराबर आप डेली कंज्यूम करिए या फिर अल्टरनेट डे। इसको आपको डेली 1 चम्मच के बराबर खाना है लगातार 2 महीने तक। 2 महीने के बाद आप बीच में 15 दिन का गैप दे दीजिएगा, उसके बाद से फिर से शुरू करिए। सिर्फ 1 चम्मच खाना है आपको, 1 चम्मच में बहुत थोड़ा सा ही आएगा और उतना ही सफिशियंट होगा आपके लिए, ठीक। और फेनुग्रीक सीड हर किसी के घर में आसानी से मिल जाती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है, तो इसको आप जरूर कंज्यूम करिए। तो अगर आप इसका हेयर मास्क लगा लेते हैं हफ्ते में सिर्फ 1 बार, ज्यादा नहीं, हफ्ते में सिर्फ 1 बार अगर आप इस तरीके से हेयर मास्क लगा लेते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे से नरिश होंगे, डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ साथ ये आपके बालों को रिग्रो भी करेगा, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और बालों के रिग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो हेयर मास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का है। इसके लिए आपको सबसे पहले आंवला चाहिए, यहाँ पे मैंने ड्राई आंवला लिया है। आंवला आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है, साथ ही साथ ही आपके बालों का पिगमेंट लॉस रोकता है और आपके बालों को वापस से काला बनाने का भी काम करता है। हेयर ग्रोथ और हेयर रिग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो हमारा फेनुग्रीक सीड है। यहाँ पे मैं 3 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल करने वाली हूँ। फेनुग्रीक सीड आपके बालों को रिपेयर करता है, साथ ही आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है, डैंड्रफ को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये हेयर मास्क। अब देखिए आपको भृंगराज इसमें ऐड करना है, भृंगराज पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास होल ड्राई भृंगराज है तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ।
भृंगराज हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर रिग्रोथ में भी सपोर्ट करता है और बालों को झड़ने से रोकता है। साथ ही साथ ये आपकी स्कैल्प को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है, पिगमेंट लॉस भी रोकता है आपके बालों का, बालों को काला बनाने का काम करता है। इसको रात भर के लिए छोड़िए, नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं पानी का कलर बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है और पानी हमारा कितना देख सकते हैं आप डार्क हो गया है। अब क्या करना है, इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड करना है और वो है हमारा बनाना। जो बनाना बहुत ज़्यादा पक जाता है उसका इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो बनाना भी हमारे बालों को रिपेयर करता है और आपके बालों में बहुत अच्छी सी शाइन ऐड करता है और बहुत हेल्दी बनाता है बालों को। इन सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ आप ग्राइंडर में डालिए, ग्राइंड करिए, बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए इसका। एक बार जब आपका पेस्ट बन जाता है तो इसको स्ट्रेन भी कर लीजिए ताकि कोई चंक्स वगैरह ना रहें जो आपके बालों में फंसें, ठीक है। तो देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क बनके तैयार हो गया है, मैंने इसको स्ट्रेन भी कर लिया है। अब इसको साफ सुथरे बालों में मैं लगा लूँगी और लगा के मैं 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद सिर्फ नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है आपको, ठीक है। और देखिए फेनुग्रीक सीड का जब आप हेयर मास्क बनाते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा फेनुग्रीक सीड की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2-3 चम्मच के बराबर की जरूरत पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि आपके बाल कितने लंबे हैं कितने घने हैं, ठीक है। लेकिन जब फेनुग्रीक सीड फूलती है तो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो सिर्फ 2 या 3 चम्मच के बराबर आपको फेनुग्रीक सीड लगेगा हेयर मास्क में। देखिए ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हेयर केयर में, अगर आप अपने बालों में ऑयल नहीं लगाते तो आपके बाल बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। ऑयल लगाने से क्या होता है कि आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है और आपके बालों में एक बैरियर क्रिएट कर देता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज नहीं होते हैं। और साथ ही साथ देखिए जब आप ये ऑयल लगाते हैं तो जो आपके हेयर के क्यूटिकल्स होते हैं ना उनको ये रिपेयर भी करता है, उनको प्रोटेक्ट भी करता है। अब देखिए बारी है ऑयल बनाने की और ऑयल बनाने के लिए बस 3 इंग्रेडिएंट 4 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये ऑयल बहुत ही इफेक्टिव बनके तैयार होगा। बेसिकली क्या करना है, हमें कुछ इंग्रेडिएंट को लेना है और उसको ऑयल के साथ इन्फ्यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए जब फेनुग्रीक सीड अच्छे से इन्फ्यूज हो जाता है ऑयल में तो ये आपके स्कैल्प में डैंड्रफ को होने ही नहीं देता है, साथ ही साथ आपका हेयर रिग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ब्लैक सीड यानी कलौंजी। देखिए कलौंजी और फेनुग्रीक सीड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है स्पेशली हेयर रिग्रोथ के लिए। अब यहाँ पे जो और कमाल का इंग्रेडिएंट है वो है हमारा भृंगराज। भृंगराज को बालों का राजा बोला गया है, ये बहुत ही एंशियंट हर्ब है और बहुत ही अच्छी हर्ब है आपके बालों के लिए, ठीक है। इन तीनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है आपके बालों के लिए पूछिए मत। सबसे पहले क्या करना है, इसको अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि इसी पाउडर को एक ऑयल के साथ कंबाइन करना है। अब वो ऑयल कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है, या तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करिए, प्योर मस्टर्ड सीड का इस्तेमाल करिए, या फिर सीसमी सीड का इस्तेमाल करिए। मैंने यहाँ पे सीसमी सीड का ऑयल लिया हुआ है, तिल का तेल लिया है। इसमें आपको इस पाउडर को डाल देना है। डालने के बाद आपको एक प्रोसेस और करना है। अब क्या करना है कि एक आप बर्तन लीजिए, उसमें पानी डालिए, इसको उबालिए। हमने इसको अच्छे से इन्फ्यूज़ करना है, थोड़ा सा मतलब जो भी एसेंस है ना हर्ब्स का वो इस ऑयल में आ जाए। फिर इन्फ्यूज होने के लिए जब आप छोड़ेंगे तो बहुत अच्छे से ऑयल इन्फ्यूज होगा, बहुत इफेक्टिव बनके तैयार होगा। तो इस तरीके से थोड़ी देर के लिए इसको कुक कर लेना है, डायरेक्ट फ्लेम पे इसको नहीं रखना है। जब ये ठंडा हो जाता है तब आपको क्या करना है कि एक कांच के डिब्बे में इसको स्टोर करके रख लेना है। जब आप कांच के डिब्बे में इसको स्टोर करके रख लेते हैं उसके बाद भी आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है, डायरेक्ट यूज़ करना ही शुरू नहीं कर देना है, अदरवाइज आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अभी आप देख सकते हैं मैंने एक कांच का बॉटल लिया हुआ है, इसमें मैं इसको स्टोर कर लूँगी। स्टोर करके आप इसको 15-20 दिन के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बीच बीच में आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। और 2-3 चम्मच के बराबर ही फेनुग्रीक सीड लगेगी आपका ऑयल बनाने में। तो देखिए आपको बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल भी नहीं करना है और फेनुग्रीक सीड इजिली अवेलेबल होता है, हर कोई ये कर सकता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की ताकि इसको हर कोई फॉलो कर पाए, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।